गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11, पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर 1, कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज़ द 10th वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP Part 4. We have already studied this in the previous videos or in the previous classes, that first part of the constitution deals with the states and UTs. Second part deals with the citizenship. Part 3 deals with fundamental rights, and Part 4 deals with directive principles of state policy. What is DPSP? अगर आपसे क्वेश्चन आता है दैट की what do you mean by directive principles of state policy, तो what is this? Basically, it is the direction given by the constitution. It is the direction given by the constitution and the principles suggested by constitution itself to make policies for the nation. Directive principles of state policy is what? It is the directions and suggestions suggested by constitution to make policies by the government. यानी कि government को किस किस तरह से policies बनानी चाहिए, उसके क्या क्या directions दिए जाने चाहिए, कौन से principles का use करना चाहिए, इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? हमारे DPSP से idea लेती है कौन? हमारी government. इसके अलावा article का ध्यान रखेंगे, article 36 to 51। Directive principles are the policy directions given by the constitution for building an equitable and just society. यानी कि government को आप suggestions दोगे कि आप कुछ ऐसे policies बनाइए, कुछ ऐसे programs बनाइए जिसकी help से आप society के अंदर equality और justice को establish कर सकेंगे। और आप उन पॉलिसीज़ को कैसे बनाना है, किन किन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना है, उसके बारे में हमें कहाँ बताया गया है? DPSP के अंडर। द गोल्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स दैट सोसाइटी शुड अडॉप्ट, इसके बारे में भी हमें कहाँ बताया गया है? हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर। सर्टेन राइट्स दैट इंडिविजुअल्स शुड इंजॉय पार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, यानी कुछ ऐसे राइट्स जो कि इंडिविजुअल यानी कि हर एक सिटीज़न को, हर एक मेंबर को जो कि इंडिया में रहता है, उसका फंडामेंटल राइट के साथ रिलेशंस बनाने का काम भी DPSP करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास राइट टू एजुकेशन है। अब राइट टू एजुकेशन के अंदर तो हमें एजुकेशन के लिए राइट मिलता है, अब एजुकेशन के लिए हमें स्कूल चाहिए और कॉलेजेस चाहिए, अब उन्हें ओपन करने की डायरेक्शन कहाँ से मिलती है गवर्नमेंट को? वो मिलती है DPSP से। तो बोथ आर रिलेटेड, तो कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं DPSP और फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग। सर्टेन पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट टू बिल्ड अ वेलफेयर अ इक्विटेबल सोसाइटी, यानी कि हमें कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाने गवर्नमेंट के थ्रू जो कि लोगों के वेलफेयर के लिए और इक्विटेबल सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। द DPSP आर प्राइमरली मेड ऑन द बेसिस ऑफ द सोशलिस्ट प्रिंसिपल। बेटा हमें ना कुछ चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है, जब भी हम लोग DPSP के बारे में बात करते हैं तो जैसे कि हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि हम DPSP के कुछ गोल्स के बारे में बात करते हैं, कुछ उनकी पॉलिसीज़ के बारे में बात की जाती है, कुछ नॉन जस्टिसेबल राइट्स के बारे में बात की जाती है,
तो ये दो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं समझना DPSP के रिगार्डिंग। यहाँ हमें पता चलता है दैट कि DPSP आर प्राइमरली मेड ऑन द बेसिस ऑफ द सोशलिस्ट प्रिंसिपल, यानी कि आप गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप सोशलिस्ट प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल बेसिकली बेटा क्या एम करता है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि गवर्नमेंट को सोशल वेलफेयर वर्क करने चाहिए, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। DPSP इज़ नॉन जस्टिसेबल, बेटा ये टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं ना बेटा, तो हमारे पास दो टर्म्स आते हैं, एक आता है जस्टिसेबल और एक आता है नॉन जस्टिसेबल। आगे चलने से पहले मैं दोनों वर्ड्स के पहले आपको मतलब बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जस्टिसेबल के रिगार्डिंग। जस्टिसेबल क्या है कि आपके पास आपका कोई भी राइट अगर वॉयलेट किया जाता है, या फिर आपसे आपका राइट छीना जाता है, आपको उस राइट को प्रैक्टिस करने नहीं दिया जाता, उस राइट को लिमिट किया जाता है, तो आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, यानी कि आप जुडिशरी के पास जा सकते हैं। यानी कि अगर आपके राइट्स आपसे छीने जाएंगे, लिमिट किया जाएगा, तो दे आर जस्टिसेबल, आप जस्टिस की डिमांड कर सकते हैं और आप जुडिशरी के पास जाके अपना जो राइट है उसे वापस ले सकते हैं। और ये राइट्स प्रैक्टिस करने से आपको कोई भी मना नहीं कर सकता, ना तो गवर्नमेंट और ना ही कोई गवर्नमेंट का कोई भी इंस्टीट्यूशन, ना ही प्राइम मिनिस्टर, ना प्रेसिडेंट, ना खुद कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको वो राइट्स देने से मना नहीं कर सकता। अब बात आती है बेटा नॉन जस्टिसेबल की। नॉन जस्टिसेबल, बिल्कुल बेटा ये जस्टिसेबल का अपोजिट है। पहली चीज़ नॉन जस्टिसेबल क्या है, DPSP है। क्यों है, या नॉन जस्टिसेबल का क्या मतलब है कि आपके ऐसे राइट्स या आपकी ऐसी गवर्नमेंट की ऐसी ड्यूटीज़ जो कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए, शुड वाला कंडीशन है बेटा कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए, अगर वो नहीं करती तो आप उन्हें बोल सकते हैं, आप उन्हें बार बार इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, जैसे कि वो अकाउंटेबल है तो आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। पर अगर वो ऐसा कोई काम, जैसे कि मान लो कि उनका काम है स्कूल खोलना, ठीक है, और अगर उन्होंने स्कूल नहीं खोले तो आप इन्हें बोलोगे सिर्फ, ठीक है, या फिर आप उन्हें फोर्स कर सकते हो, पर आप उन्हें जुडिशरी के पास लेकर नहीं जा सकते। तो DPSP नॉन जस्टिसेबल है, ये गवर्नमेंट की चॉइस है कि वो ये काम करना चाहती है या नहीं करना चाहती। और अगर वो ऐसे कोई काम नहीं करती, उसके पास फंड्स नहीं है या कोई और प्रॉब्लम आ रही है, या उस रीजन के अंदर ऐसे कुछ डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है कि उधर स्कूल्स ओपन किए जाएं, रोड्स बनाई जाएं या हॉस्पिटल्स खोले जाएं, तो ये पॉलिसीज़ बनाना गवर्नमेंट का काम है, वो बाउंड नहीं है कि वो काम अभी के अभी करके देगी, क्योंकि उसके पास फंड्स की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, तो वो नॉन जस्टिसेबल है। तो जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल के बीच में एक बेसिक डिफरेंस ये है, जब हम बात करते हैं जस्टिसेबल की, तो अगर वो राइट आपको नहीं मिला तो आप जुडिशरी के पास जाके उसकी डिमांड कर सकते हो। नॉन जस्टिसेबल का मतलब है कि अगर आपके पास वो राइट आपको नहीं मिला तो आप जुडिशरी के पास जाके ज़बरदस्ती उसकी डिमांड नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट का विल है कि वो करेगी या नहीं करेगी, या अगर उसके पास कुछ प्रॉब्लम है फंड्स का है या अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप उससे बोल सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आपने ये काम अभी तक क्यों नहीं किया, तो गवर्नमेंट वो जवाब देगी, जस्टिफाई करेगी अपने आप को, पर आप उसे फोर्स नहीं कर सकते, वो बाउंड नहीं है वो काम अभी के अभी करने के लिए। तो DPSP आर नॉन जस्टिसेबल, विच मीन्स टू से वॉट, दे आर नॉट एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, दे कैन बी मेड लीगली एनफोर्सेबल इफ इनकॉर्पोरेटेड इन द लॉ मेड बाय स्टेट, यानी कि आप उसे इन्फोर्स कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो, यानी कि कोई कानून बनाया जा सकता है उस DPSP के ऊपर बेस्ड, पर कानून बनाना है नहीं बनाना है, सिचुएशन ठीक है या नहीं ठीक है, उसका डिसीजन सारा का सारा गवर्नमेंट का है, आप उसके अंदर कोर्ट को या कोर्ट के लॉज को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। आर
called the positive obligations of the state, as they make the state take positive actions in order to improve the welfare of the society. ये बेटा क्या है, DPSP है ना बेटा, instructions हैं या suggestions हैं आपके constitution की तरफ से आपकी government के लिए, और ये सारे instructions positive हैं, यानी कि एक positive path, positive way provide किया जाता है by the constitution कि yes government को एक positive obligations लगाए गए हैं या पॉजिटिव तरीके से बाउंड किया गया है कि आपको ये काम करने चाहिए ताकि आप सोशल वेलफेयर वर्क कर सकें सोसाइटी का. इसके बाद बेटा हमारे पास जब भी हम डीपीएसपी को डिवाइड करते हैं तो डीपीएसपी के डिवीज़न के अंदर हमारे पास कुछ गोल्स आते हैं, कुछ पॉलिसीज़ आती हैं. तीन तरीके से डिवीज़न है बेटा, एक गोल्स का है, एक पॉलिसीज़ का है, थर्ड हमारे पास है नॉन जस्टिसेबल राइट्स. डन. तो गोल्स में हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं कि डीपीएसपी के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है गवर्नमेंट को या स्टेट को कि आप वेलफेयर ऑफ द पीपल काम करेंगे, सोशल एंड इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस के लिए गवर्नमेंट काम करेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इंक्रीज़ किया जाएगा, कंडीशंस को सुधारा जाएगा, रिसोर्सेस का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा ताकि सबका इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और वो इक्वल तरीके से डेवलपमेंट कर सकें. इसके साथ प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर आप पीस मेंटेन करने के लिए काम करेंगे. तो दीज आर द गोल्स दैट इज सपोज टू बी प्रैक्टिस्ड बाय गवर्नमेंट. आफ्टर दिस पॉलिसीज जो बनाते हैं, यूनिफॉर्म कोड बिल, सिविल कोड, यूनिफॉर्म कोड बिल या यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है कि इंडिया में कोई भी क्राइम हो तो आप एक ही सिविल कोड या एक ही पनिशमेंट को फॉलो करेंगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो या किसी भी दूसरे रिलीजन को फॉलो करते हैं. इंडिया में बेटा अलग अलग तरीके से सिविल कोड्स बिल चलते हैं. वैसे यूनिफॉर्म कोड बिल पूरी तरीके से इंडिया में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है क्योंकि रिलीजन लेवल पर हमारे यहाँ वेराइटी है. जैसे कि हिंदू कोड बिल के अंदर अलग वेरिएशंस हैं, मुस्लिम कोड बिल के अंदर अलग वेरिएशंस हैं. तो ये वेरिएशंस की वजह से यूनिफॉर्मिटी कई जगहों पर नहीं आ पाती, पर गवर्नमेंट फिर भी कोशिश करती है कि अगर कोई क्राइम रिलीजन से रिलेटेड नहीं है तो आप उस क्राइम को हटाकर नॉर्मल क्राइम्स के लिए एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करेंगे इंडियन पीनल कोड के तहत, और बाकी अगर किसी रिलीजन का इशू आता है तो आप रिलीजियस जो हेड होते हैं उनको बुला के जुडिशरी सजेशंस लेती है. देन प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ एल्कोहलिक लिकर, यानी कि आप मना करते हैं लोगों को कि अल्कोहल नहीं कंज्यूम करना है. ये भी सोशल वेलफेयर वर्क है कि आप अलग अलग तरीके से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं. प्रमोशन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का मतलब होता है बेटा जो स्मॉल स्केल बेसिक इंडस्ट्रीज़ होती है जो कि गांव में या फिर रूरल एरियाज़ के अंदर चलती हैं, आप उनको प्रमोट करते हैं. एंड बेसिकली स्लॉटर ऑफ द यूजफुल कैटल की आप बेटा यहाँ पर जो आपके पास स्लॉटर वर्ड यूज़ किया गया है ये है एनिमल्स का किलिंग, किसी भी एनिमल का. और कैटल वर्ड यूज़ किया जाता है जो आपके पेट एनिमल्स होते हैं उनके रिगार्डिंग. तो ये कह रहे हैं कि उन एनिमल्स को भी प्रिवेंट करने का काम किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट. इसके अलावा है प्रमोशन ऑफ द विलेज पंचायत्स, विलेज पंचायत है जो लोकल गवर्नमेंट है उसे प्रमोट करने के लिए काम किया जाएगा. इसी के चलते इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd और 74th अमेंडमेंट किया गया और लोकल गवर्नमेंट को इंडिया के हर एक स्टेट के अंदर या पूरी डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए डायरेक्ट डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करने की कोशिश की गई है विद द थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. जैसे कि पहला आपके पास सेंट्रल है, देन आपके पास स्टेट है, देन इसके अलावा आपके पास एक लोकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 1992 के टाइम पीरियड से. ठीक है बेटा. इसके बाद है नॉन जस्टिसेबल राइट्स इन डीपीएसपी, एडिक्वेट लाइवलीहुड, कि गवर्नमेंट कोशिश करेगी पूरी अपनी तरफ से कि आपको लाइवलीहुड या एडिक्वेट कंडीशंस मिलें अच्छे लाइफ को स्पेंड करने के लिए.
गवर्नमेंट विल ट्राई, शुड वाला कंडीशन है कि गवर्नमेंट को ट्राई भी करना चाहिए और वो ट्राई कर रही है, पर अगर ऐसा सभी लोगों के साथ नहीं होता तो आप उसे जुडिशरी के पास नहीं लेकर जाओगे क्योंकि ये नॉन जस्टिस, या नहीं लेके जा सकते क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वेमेन, ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है इंडिया में। अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ताकि किसी के साथ ना हो। राइट टू वर्क, कि लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट देने के लिए काम करेंगे, और एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं दे पाएंगे तो आप उन्हें जो बेरोज़गारी भत्ता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस मिलते हैं, वो सब चीज़ें आप उन्हें प्रोवाइड कराएं। इसके अलावा अर्ली चाइल्डहुड केयर, कि जो 0 से लेके 5 ईयर्स तक का जो एज है, जब बच्चे स्कूल नहीं जाते, या 4 ईयर्स तक का जो एज है, जब फर्स्ट क्लास तक बच्चा जब तक नहीं पहुंचता, तो तब तक आप उन्हें जैसे कि आंगनवाड़ी है या फिर आशावाड़ी है, इन सब जगहों पे बच्चों को आप एडमिट करा सकते हैं, या फिर वहाँ पर आप उन्हें प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। और इसी के साथ साथ बच्चों को जो कि 6 to 14 ईयर्स की एज में आते हैं, आप उन्हें एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए काम करेंगे। तो दीज आर द नॉन जस्टिसेबल थिंग्स इन दी DPSP ओनली। हमारे पास बेटा एग्ज़ाम में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि DPSP और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस क्या है। ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, 4 मार्क्स में और 6 मार्क्स में कई बार देखने को मिलता है। ये एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस हैं, कि शुड वाला कंडीशन, अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है गवर्नमेंट, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप करना चाहिए आपको, ठीक है, गवर्नमेंट को ये कहा जाता है यू शुड डू दिस, ठीक है। ये नेगेटिव ऑब्लिगेशन है कि आपको करना ही पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स में क्या है कि आपको ऑब्लिगेशन है कि आपको ये सारे काम करने ही करने हैं, आप इनसे या आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, आप इन्हें लिमिट भी नहीं कर सकते, ना ही आप इन्हें सस्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद नॉन जस्टिसेबल एंड जस्टिसेबल, अभी हमने डिफरेंस देखा। इसके बाद है DPSP को इन्फोर्स करने के लिए आपको लॉ बनाने पड़ते हैं, जैसे कि आपने इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए लॉ बनाया है, राइट टू वर्क के लिए आप जैसे कि मनरेगा जैसी पॉलिसीज़ आप बनाते हैं, तो आपने इनको बनाने के लिए लॉ तैयार किया है। पार्लियामेंट के पूरे प्रोसेस के अंदर आपने इन्हें इम्प्लीमेंट किया है, स्कूल्स डेवलप किए हैं, आंगनवाड़ी इस्टेब्लिश की हैं, तो ये क्या है, आपने लॉज बनाए हैं इनको बनाने के लिए। फंडामेंटल राइट्स की जब बात की जाती है तो कहते हैं इनको लॉज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है एक बार, तो उसके बाद से सभी लोगों के पास ये होना ही चाहिए, नहीं दोगे लोग तो फिर जुडिशरी के पास चले जाएंगे। टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस, DPSP क्यों बनाया गया, ताकि लोगों में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस या इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को आप एस्टैब्लिश कर सकें, और ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं। तो हेयर इज अ डिफरेंस दैट वी हैव सीन। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में।